हम ये देख रहे हैं सीताराम जी कि आपने ये कपड़े लकड़ी के ऊपर लगा के इसको बांध के रख रखा है, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए कि इसमें ये क्या लगा रखा है आपने और क्यों लगा रखा है, इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है? हमारे यहाँ देखो तारबंदी का तो इतना है नहीं और इस वजह से नील गायों का बहुत ज्यादा प्रकोप। अच्छा, नील गाय का प्रकोप। हाँ, तो नील गाय के प्रकोप को रोकने के लिए हमने जो है एक ये लकड़ी ली, लकड़ी के ऊपर सूती कपड़ा बांधा। सूती कपड़े को अच्छे से बांधने के बाद इसमें फिनाइल और देसी अंडे को हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, और मिक्स करने के बाद उसमें डुबो के और इसको खड़ा कर दिया। अब जब भी या तो बारिश हो जाती है, बारिश से धुल जाता है, तो दोबारा इस पर बोतल से थोड़ा सा डाल देते हैं, या फिर प्रत्येक 5-7 दिन 8 दिन में एक बार इस पर डाल देते, तो इससे नील गाय का प्रकोप बिल्कुल जीरो है, आप देख सकते हैं फसल में। तो इससे ये बताइए कि कितने दूर एक खेत में, एक एकड़ में, या जैसे आपके ये 7 एकड़ खेत है, तो इसमें कितने जगह पर आपने लगा रखा जिससे नील गाय का प्रकोप बहुत ही कम हो गया? 7 एकड़ में हमने लगभग ये 35 लगा रखा। अच्छा ठीक है, आपने जगह जगह पे जैसे जगह जगह पे हर मतलब 50 फीट की दूरी पे लगा रखा, चारों ओर बाउंड्री में और बीच में 2-4 पॉट। ठीक है ठीक है, तो इससे यानी फिनाइल और अंडे से ये रुक रहा है। ठीक है ठीक है, जैसे कि इनकी फसल साथियों आपको दिख रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से है और ज़बरदस्त है, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने संतुलित मात्रा से ये फसल बड़े उत्पादन ले रहे हैं और इसमें कोई प्रकोप नहीं है या कोई इसमें कीट बीमारियां नहीं है। जैसे कि सीताराम जी आप ये बताइए कि आपके पत्तों पे जो छेद हो रहे हैं और जैसे ये आपके पत्तों के ऊपर जो ये लट लगी हुई है, तो इसके लिए आपने कुछ इलाज किया या ऐसे ही इसको छोड़ दिया आपने? क्योंकि ये लग रहा है कि इससे आपको फसल में पहले पुराने पत्तियों पे तो इसके छेद है लेकिन नई पत्तियाँ फ्रेश आ रही है, तो इस पर आपने क्या इलाज किया ये बताइए आप किसानों को। ये जो प्रकोप दिख रहा है आपको ये पत्ती छेदक वाला, ये प्रकोप महज 1 या 2 दिन में ही हो गया देखते ही देखते, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ट्रायल ली भाई लोगों से जो जैविक कर रहे थे उनसे, तो उसके बाद मैंने 10 पर्ण का घोल बनाकर और स्प्रे किया, वो स्प्रे के बाद जो है वो बिल्कुल जो है लट वगैरह जो है वो गायब हो गई, और इसके बाद अब वापस थोड़ा थोड़ा सा इसका मुझे दिख रहा है क्योंकि उसके बाद एक बारिश भी हो गई, तो बारिश से शायद वो स्प्रे धुल गया, तो मेरा मानना यह है कि जैसे ये बारिश रुकती है, आज मौसम बारिश का हो रहा है, कल या परसों में वो स्प्रे एक बार दोबारा से करवाएं। हालांकि ये लट उस टाइम तो बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो आपने 10 पर्ण का स्प्रे किया और उससे आपकी ये लट भी रुक गई है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए साथियों कि ऐसे कि हमारे साथ में ऐसे किसान हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से संतुलित मात्रा में और जैविक तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने पत्ती छेदक के लिए जो लट आई हुई है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये देखिए ये लट है, ये देखिए तो ये लट है, इसके लिए इन्होंने 10 पर्णी का स्प्रे किया है, ये रुक गई है क्योंकि पत्तों में छेद ये ही करती है, ये देखिए आप, और ये पत्तों को खा कर बिल्कुल इस लट के प्रकोप से फसल के अंदर में किसान को नुकसान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उठाना पड़ता है। जैसे आप देखते हो इन्होंने सही टाइम पे और सही मात्रा में उपयोग कर लिया है, अन्यथा इसके प्रकोप से किसान को कम से कम 50% तक नुकसान होता है इस लट के प्रकोप से। तो साथियों इस लट से भी बचाव आपको रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे आप जो ये खेत देख रहे हो, इस खेत के अंदर आपको खरपतवार बिल्कुल 7 एकड़ में कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, और ये सबसे प्लस पॉइंट है, इन्होंने ना कोई हर्बिसाइड का स्प्रे किया ना और किसी का, हाथों से मैन्युअली पूरी खरपतवार हटाई है, और इस खरपतवार से किसानों को नहीं ध्यान देने की वजह से अभी भी आप जो ये देख रहे हो इसमें जो कुछ मात्रा में खरपतवार है ये हटा रहे हैं, जैसे कि लगे हुए हैं और उखाड़ रहे हैं, तो इस खरपतवार के प्रकोप से किसान को सभी फसलों में अलग अलग तरीके से 20% से लेकर 90% तक नुकसान होता है। अगर सही टाइम पे किसान उस चीज़ का ध्यान में ले लेता है और बढ़िया तरीके से ध्यान रखता है तो किसान को फायदा होता है, अन्यथा नुकसान ही होता है। साथियों आज आपको मूंगफली की फसल के बारे में जानकारी दी गई और प्रगतिशील किसान सीताराम चौधरी जी हिंगोनिया से भी आपको मिलाया गया, और हम ऐसे ही नई नई खेती बाड़ी की जानकारियां आपको देते रहेंगे और आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे और ऐसे किसानों से मिलाते रहेंगे जो कुछ नया कर रहे हैं, इनोवेटिव कर रहे हैं। मैं आपको जैसे बताना भूल गया, जो सीताराम जी चौधरी हैं ये बीटेक हैं और इंजीनियरिंग की इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने खेती को अपना साथी बनाया और आज इसको बहुत ही बढ़िया बेखूबी तरीके से कर रहे हैं। आसपास के एरिया में इनका वर्चस्व है और किसान इनसे राय लेने भी आते हैं। अवार्डेड किसान हैं ये। अभी इनको अलग अलग, जैसे इन्होंने मोती का पालन भी किया था, इसके साथ में इन्होंने अपने फलदार पौधे भी लगा रखे हैं कुछ मात्रा में, और वर्मी कंपोस्ट का भी लगा रखा है छोटा मोटा, और बढ़िया तरीके से ये कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं साथ में। ऐसे ही हम नए नए किसान भाइयों से आपको मिलवाते रहेंगे। इस मुहिम के साथ आप भी जुड़े रहिए और हम भी आपके साथ में हैं। अगर आपको साथियों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको फिर भी इसमें कुछ कमियां नज़र आए या आपको कुछ सुझाव है तो आप इसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों।